गाइस ये है लास्ट एपिसोड ऑफ दिस एनिमे, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड देखे होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम थे। हाँ अब तक नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही ज्यादा ही ऑसम है। गाइस ये एनिमे तुम्हें बोर होने नहीं देगा, तो इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना। हाँ अब एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें देखा जाता है सिल्विया और को, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उन लोग आ गए था एक बहुत ही बड़ा ही जायंट एग जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था, और उसके साथ ही इसका जो साइज था ना, इसको देख कर ही सब लोगों के तोते उड़ने वाले थे। हाँ उस अंडे में एक सिंबल भी था जो कि ब्लेक के हाथों में भी था, यानी तुम लोग बोल सकते हो उसके अंदर ही है इको। ब्लेक और सिल्विया इस बात के बारे में समझ गए थे जहाँ पर वो दोनों प्लान करते हैं वो दोनों अब क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद ब्लेक बोलता है सिल्विया शायद से तुम्हारा जो ड्रैगन है यानी लैंसलॉट है वो इसके पास जा सकता है और इधर क्या हो रहा है समझ सकता है, और इस बात को ही सोचकर इधर सिल्विया बोलते तो ठीक है मैं अपने लैंसलॉट को उधर जाने के लिए बोल रही हूँ। और इसके बाद सिल्विया और ब्लेक वो दोनों नीचे उधर जाते हैं और उसके बाद लैंसलॉट उस अंडे की ओर चला जाता है, और उसके बाद ही मेरी खिया जाता है लैंसलॉट है वो थोड़ा दूर जाकर ही वो रुक जाता है, और उसके बाद इधर बहुत सारे जगह आ जाते हैं और उसको देखकर ब्लेक बोलता है ये सब क्यों आ रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे जगह आ गए थे और उसके बाद वो लोग उस अंडे की चारों ओर घूमने लगते हैं, और इसी बीच जो अंडा होता है वो टूट जाता है। पहले हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन का आंख जो कि बहुत ही ज्यादा ही बड़ा होता है, और उसके साथ ही इसको देखने में और ये सीन देखने में गॉडजिला वैसा सीन आ जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है जो अंडा होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस अंडे से एक बहुत ही ज्यादा ही एंड लेवल का ड्रैगन आ गया था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है। इसको देखकर ब्लेक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन था वही थी इको, यानी इको का जो ड्रैगन फॉर्म है वो यही है। खैर जो भी उसके बाद वो ड्रैगन आया था इस जगह। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किंगडम में जहाँ पर सारे लोग चिंतित होते हैं इस ड्रैगन को देखकर, क्योंकि जो ये ड्रैगन होता है वो इस जगह को तबाह कर रहा था, वो किसी को नहीं छोड़ेगा ये वो लोग जानते थे, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन सारे लोगों से बंदा आगे आ जाता है, और उसके बाद वो नाटक करने लगता है और वो बोलने लगता है सब लोग मरने वाले ये कैसे हो सकता है ये तो इस देश को तबाह करने वाला है, ये सब बात बोलकर वो पैनिक करने लगता है। और उसको देखकर वेरोनिका समझ लेती है जो ये प्रिंस है ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं पूछा है अब क्या होने वाला, और उसके साथ ही ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो इसलिए वेरोनिका समझ लेती है जो ये प्रिंस है इन सबसे मिला हुआ है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है जो ये थर्की किंग होता है वो इस बात को समझ नहीं पाता है। तो इसके बाद में दिखाया जाता है जो इको होती है यानी जायंट इको होती है वो किंगडम के लोगों को देख लेती है, और उसके बाद वो उन्हीं लोगों को मारने के लिए आगे आ जाती है। जो भी इसके बाद में दिखाया जाता है ग्लेन को, जहाँ पर ग्लेन बोलता है चलो हम इसको मारने के लिए चलते हैं, जहाँ पर वेरोनिका बोलती है नहीं हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी। और इसी बीच वेरोनिका नोटिस करती है उन लोगों के आगे होते मिगलस, मिगलस को देखकर वेरोनिका बोलती है हे तुम ही होना इन सबके पीछे और तुम ही हो जूलियस, और इस बात को सुनकर वो मिगलस बोलता है हाँ मैं ही हूँ मिगलस, और उसके बाद वो अपना मुखौटा हटा देता है और उसके बाद वो बोलता है नहीं मैं जूलियस नहीं हूँ, मैं हूँ जूलियस का वही जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और उसके बाद हमें बताया जाता है जो मिगलस है या फिर जूलियस है उसके अंदर उसे ड्रैगन का आत्मा है सॉल है, जो कि जूलियस को अब कंट्रोल कर रहा है, यानी जूलियस इतना ज्यादा बुरा नहीं था लेकिन जो ये ड्रैगन था वो तो बहुत ही ज्यादा ही बुरा था, वो सबको मारना चाहता है, तो इसलिए ही उसने जूलियस के को एग्जॉस्ट किया हुआ है। और इसको जानकर जो वेरोनिका होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। इससे एक थ्योरी ये भी आ जाता है हाँ इसने अपने ड्रैगन को मारा था, तो हो सकता है जो जूलियस का ड्रैगन था वो पहले से बहुत ही ज्यादा ही डेंजर हो सकता है, तो इसलिए जूलियस ने सबको बचाने के लिए अपने ड्रैगन को मारा था। बाद में दिखाया जाता है जो ये मिगलस होता है लगता है तो भी बोलो एक बात ही सही है तुम लोग अब मरने वाले हो क्योंकि ये प्लान मेरा ही है। और उसके बाद बात को सुनकर जो ग्लेन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद वो जूलियस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जो ये जूलियस होता है या फिर इसके अंदर जो ये जूलियस का ड्रैगन का आत्मा होता है वो बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल होता है, और इसलिए वो बहुत इजीली उसको हरा देता है। इसके बाद वेरोनिका भी अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन जो जूलियस का सॉल होता है तो जूलियस के अंदर जो सॉल होता है वो बाहर आ जाता है, और उसके बाद वो चला जाता है इको के अंदर। खैर जो भी उसके बाद जो वेरोनिका होती है वो बेहोश जाती है, और उसके बाद में दिखाया जाता है जो जूलियस है वो पहले की तरह हो गया था यानी जूलियस अब नॉर्मल है। खैर जो भी उसके बाद में बताया जाता है जो ये ड्रैगन है उसका नेम है मॉड्रेड, मॉड्रेड ही ये सब कर रहा है यानी मॉड्रेड के कारण ही ये सब हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्लेन भी आ जाता है, जहाँ पर ग्लेन और जूलियस एक साथ बातें करते हैं, और हाँ इन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप फिर से हो गया था क्योंकि जो भी हो जूलियस का इसके अंदर कुछ भी हाथ नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर वाला सीन यानी इको को, जहाँ पर इको बाहर ज्यादा तो जॉइंट हो ही गई थी, लेकिन इसके बाद जो मॉड्रेट का सोल है वो भी इको के अंदर चला जाता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इको बन गई थी प्रो मैक्स यानी को एक डेमन बन गई थी, और इसको तुम लोग नहीं बोल सकते हो ये कोई ड्रैगन है क्योंकि हाँ ये साफ तौर पर एक डेमन है, इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। और इसको देखकर जो ग्लेन है और उसके साथ सिल्विया है वो दोनों समझ गए थे कोई भी इतना इजीली बच के नहीं जाने वाला क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ही लेवल का ड्रैगन है। खैर जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉप में जहाँ पर नेवी और वो ड्रैगन एक साथ बातें कर रहे होते हैं,
हाँ इधर वो दोनों बातें करते हैं और इसी बीच मेरी खिया चाहता है जो वो मॉडरेट होता है वो नेवी के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसके बाद नेवी और मॉडरेट के बीच में इधर फाइट चल रहा होता है। जो इसका इफेक्ट है और जो इसका इफेक्ट है वो इको में भी होने लगता है जहाँ पर इको को भी कुछ हो जाता है और इसी बीच सोचता है हाँ उसका अब टाइम है मतलब वो अब कुछ कर सकता है और इसके बाद वो इधर से जाने लगता है। तभी सिल्विया बोलती है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, देखियो इस ड्रैगन का कितना ज्यादा साइज है, हाँ इस डेमन का कितना ज्यादा साइज है, तुम इसको कैसे हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आग भी नहीं है तो इसलिए हमें प्लान बनाना होगा। और उसके बाद ही नोटिस करता है आगे से आ जाते जूलियस और उसके साथ ही वेरोनिका और ग्लेन। जो भी इधर जूलियस को देखकर ब्लेक पहले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन इसके बाद ब्लेक को भी सारा बात पता चल जाता है यानी ड्रैगन के सॉल के बारे में और उसके बाद ब्लेक भी माफी कर देता है। सिल्विया होती है वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है अपने भाई को पाकर, यानी जूलियस भी बुरा नहीं था तो इसीलिए वो अपने भाई को पाकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वेल इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं जूलियस है वो वेरोनिका का जो वॉरशिप है यूज करेगा ताकि जो एक जायंट डेमन के ऊपर आ पाए और उसके बाद ही ग्लेन कुछ कर पाएगा तो इसीलिए वेरोनिका का वो वॉरशिप चला लेता है। और उसके बाद मेरी ख्याल से जाए बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग तो नीचे से ही देख रहे होते हैं। वर्शिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ और जूलियस ही होते हैं जहाँ पर ब्लेक को इधर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। जो भी हो इसके बाद हमें दिखाया चले जो ये डेमन होता है वो इस वर्शिप को देख लेता है और उसके बाद वो अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस वर्शिप की ओर दे देता है जहाँ पर मेरी ख्याल से जो जूलियस होता है वो किसी तरह से इन सारे अटैक से इस शिप को बचा लेता है। लेकिन एक बार शिप को भी लग जाता है जहाँ पर जूलियस बोलता है तुम्हें जो करना है जल्दी करो कि अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है। और उसके बाद मेरी ख्याल से बहुत सारे ड्रैगन इधर आ जाते हैं इस ड्रैगन को रोकने के लिए। उसके बाद मेरी ख्याल से वो सारे ड्रैगन अपने मुंह से एक टाइप का कुछ निकालते हैं और उसके बाद उस ड्रैगन को बांध लेते हैं। और उसे भी जूलियस बोलता है हमारा जो शिप है वो भी ज्यादा टाइम बचने नहीं वाला है तो इसीलिए टाइम है तुम इससे चले जाओ क्योंकि इसके बाद हमें और चांस नहीं मिलेगा। और यही बात सुनकर ब्लेक ग्लाइडिंग करके चला जाता है उस डेमन के ऊपर और उसके बाद जो वो डेमन होता है वो देख लेता है पास ही आ रहा है तो इसलिए वो फिर से एक अटैक करता है और इसलिए जो शिप होता है वो नीचे गिर जाता है, वो शिप एक्सप्लोड हो जाता है और हाँ वो शिप तबाह हो जाता है। और उसको देखकर ब्लेक सोचता है शायद से जूलियस अब नहीं रहा और हो सकता है शायद से जूलियस अब नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली जूलियस तो उसके अंदर था। इसके बाद हमारी ख्याल चले जो ब्लेक है वो फिर से सोचता है उसे अब को बचाना होगा तो इसलिए वो जाने लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और उसके बाद हमारी ख्याल चले कुछ अंदर वाला सीन जहाँ पर इको एक अननोन जगह में बंदी होती है और उसके बाद वो देखती है वो इधर है। और इसी बीच हमारी ख्याल चले इधर कहीं से आ जाते हैं नेवी जहाँ पर नेवी का जो हाल था वो भी अच्छा नहीं था यानी शायद से नेवी के साथ भी वही हुआ होगा जो कि नेक्रोमेंसिया दूसरे लड़कियों के साथ करते हैं क्योंकि कपड़े देखकर तुम लोग यही बोल सकते हो और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो इसके बाद इको और नेवी एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर नेवी सारा सब कुछ बता देती है यानी इको के साथ क्या हुआ है करंटली टाइम पर अब कैसा सिचुएशन है। और हाँ इधर नेवी ये भी बता देती है जो ब्लेक है वो बहुत ज्यादा खतरे में है, वो तुम्हें बचाने के लिए ही उस डेमन के साथ लड़ने के लिए आ गया है लेकिन वो नहीं जानता है वो मरने वाला है तो इसलिए तुम ही कुछ कर सकती हो। इसको देखकर जो इको होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है जहाँ वो सोचती है हाँ उसकी परवाह करता है और उसके बाद वो रोने लगती है और वो बोलने लगती है तो ठीक है तुम्हें कुछ करना होगा ब्लेक के लिए। और उसके बाद इधर इको बोलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ ब्लेक के लिए, इस बात को सुनकर नेवी बोलती है तो ठीक है तुम रेडी हो जाओ। और उसके बाद नेवी उसको हटा देती है और उसके बाद वो बोलती है तुम्हें एक ऐसा आर्मर बनाना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और तुम्हें कनेक्ट होना होगा ब्लेक के साथ क्योंकि जो ये तुम्हारा बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा बिग है तो इसलिए डेमन तुम्हारा बॉडी यूज करता रहेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है तो इसलिए अपने बॉडी को कंट्रोल में लाना पड़ेगा और उसके साथ ही तुम्हें ऐसा एक आर्मर बनाना होगा ताकि ब्लेक है वो बच जाए क्योंकि ऐसा रहेगा तो ब्लेक मरने वाला है। और इस बात को सुनकर बोलते ठीक है मैं ट्राई करूंगी लेकिन इको के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। खैर जो भी उसके बारे में देखा जाए इसके बाहर वाला सीन जहाँ पर बहुत से ड्रैगन मिलकर डेमन को रोक रहे होते हैं लेकिन हाँ उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसके बाद ही ये डेमन ने आपको फ्री कर लेता है यानी उसका जो इतना ज्यादा पावर होता है और इस डेमन के पावर के खिलाफ ये सारे ड्रैगन क्या कर सकते हैं। और इसलिए वो सारे जो ड्रैगन होते हैं वो लोग भी बहुत दूर जाके गिर जाते हैं और जो ब्लेक है वो भी नीचे गिर जाता है। और उसके बाद ब्लेक सोचता है अब उसका भी खैर नहीं यानी वो भी अब मरने वाला है लेकिन इसके बाद मेरी खिंच रहा है इधर आ जाते कहीं से और लुका आके ब्लेक को बचा लेती है और उसके बाद बोलती है हम लोग आ गए हैं। और उसके बाद ब्लेक नोटिस करता है जो ब्लेक के दोस्त होते हैं वो लोग भी आ गए थे अपने ड्रैगन को लेकर और उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं वो लोग एक साथ जाएंगे उस ड्रैगन की ओर और हाँ ब्लेक है वो समय रहते हैं उस ड्रैगन के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद जो करना होगा वो ब्लेक कर लेगा। उसके बाद वो लोग वही करते हैं जहाँ पर मेरी ख्याल से रेबेका और उसके साथ ही जो सिल्विया होती है वो इस ड्रैगन के साथ लड़ी होती है इस डेमन के साथ बहुत ज्यादा इजीली नहीं लेकिन आ रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अंत में अपना पावर दिखाई दिया और उसके साथ रेबेका का पावर बहुत ही ज्यादा होता है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है लुका आ जाती है उस ड्रैगन के पास और उसके बाद वो बोलती है तो ब्लेक अब तुम्हारा टाइम हो गया है क्योंकि ये जो डेमन है वो बहुत ज्यादा ही हो गया है और उसके साथ ही दूसरों के साथ लड़ने में व्यस्त है तो इसलिए अब का टाइम ही तुम जा सकते हो। और उसके बाद ब्लेक जंप भी कर देता है लेकिन
जो ये ड्रैगन होता है वो ब्लेक को देख लेता है और उसके बाद वो ब्लेक की तरफ पावरफुल अटैक कर देता है और इसको देखकर सब लोग समझते हैं हाँ अब तो ब्लेक सच में मरने वाला है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है जब ब्लेक ऐसे बच चुका है। लेकिन के पास अब ब्लेक के पास कुछ भी और बचने का चांस नहीं है। लेकिन इसके बारे में दिखाया जाता है हाँ कैसे सॉल है वो चला गया था एक अलग से जगह में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर होती है इको। हाँ इधर इको और ब्लेक इधर नंगे होते हैं और इसके बारे में बताया जाता है इको और ब्लेक हो चुके हैं कनेक्टेड, इसी वजह से इधर ब्लेक के पास आ गया था अपना एक और आर्क और इस वजह से ब्लेक अटैक को डॉज कर लेता है या फिर उस अटैक का ब्लेक के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ब्लेक हो चुका था एक बहुत ही ज्यादा ही फुल हीरो या फिर पावरफुल नाइट और उसके बाद वो अपना एक स्वॉर्ड उठा लेता है जो कि मैजिकल होता है और हाँ अब ब्लेक का तीसरे आसमान में होता है, क्योंकि उसके बाद वो उस ब्लेड को उठाकर ले जाता है उस डेमन के पास और वो बहुत सारा अटैक करता है। लेकिन जो ये स्वॉर्ड होता है वो सारे अटैक को काट कर आगे जा रहा होता है, जहाँ पर जो ये ड्रैगन होता है वो बहुत सारा गुस्सा होता है और उसके बाद बहुत सारे अटैक करता है। लेकिन ब्लेक को कुछ भी नहीं होने वाला था। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है जो ब्लेक है वो अपने स्वॉर्ड से उस ड्रैगन के ऊपर या फिर उस डेमन के काट डालता है और इसलिए जो ये डेमन होता है वो मर जाता है, यानी वो अंत में हो जाता है। और ऐसे ही हाँ मॉडरेट का जो आत्मा है या फिर सॉल है उसको शांति मिल गया था या फिर वो खत्म हो चुका था। और उसके बारे में दिखाया जाता है उसके अंदर से आती है इको, यानी इको भी अब आजाद हो चुकी थी और उसके बाद इको और ब्लेक एक साथ आते हैं जहाँ पर वो दोनों हग करते हैं। हाँ ये सीन बहुत ही ज्यादा ही एपिक होता है और इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं यानी रेबेका या फिर तुम लोग बोल सकते हो दोस्त या फिर सिल्विया सब लोग हैप्पी होते हैं इस सीन को देखकर। लेकिन जो जेसिका होती है वो हैप्पी नहीं होती है, क्योंकि जो जेसिका का सपना था वो लोग तुम लोग ऑब्वियसली जानते हो अब कैसे सच हो सकता है। खैर जो भी इसके बाद में दिखाया जाता है एनिया को, पर एनिया किसी से बचकर जा रही होती है और इसी बीच एनिया नोटिस करती है कि और बहुत सारे वॉरियर्स आ रहे हैं और इसको देखकर जो एनिया है वो गिर जाती है, क्योंकि एनिया के पास अब थोड़ा सा भी पावर नहीं था। और उसके बाद एनिया अपने आप को सरेंडर कर लेती है, वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उन सारे वॉरियर्स के बीच से टेररिस्ट वाली वुमन होती है वो बाहर आती है और उसके बाद वो देखती है एनिया को और यही उसकी बहन है। और उसको पाकर वो लेडी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, यानी मैंने बोला ही था ना यही बहन होगी और हाँ यही होती है, तो ऑब्वियसली लास्ट प्ले हैप्पी ही होता है। खैर जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है इको जहाँ पर ब्लेक और हाँ इधर ब्लेक बेड में होता है और उसके बाद के पास सब लोग होते हैं जहाँ पर ब्लेक के साथ वो लोग बातें कर रहे होते हैं फाइट के बारे में, जहाँ पर वो लोग ब्लेक को अप्रिशिएट करते हैं। मेरी ख्याल से इन सारे लोगों में से जूलियस भी इधर होता है, यानी जूलियस बच चुका था। जूलियस के नाम पर तुम लोग इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो, क्योंकि इस एनिमे के सारे एपिसोड में जूलियस एक बहुत ज्यादा हरामी डेंजरस विलन बन के आया था, लेकिन अंत वाले एपिसोड में वही तो सबसे अच्छा बन गया, जो कि इससे ज्यादा ट्विस्ट और क्या हो सकता है। इससे भी ज्यादा बड़े बड़े ट्विस्ट है जो कि तुम लोगों को सीजन 2 में देखने को नहीं मिलेंगे, यानी सीजन 1 में ही जो तुम लोगों को देखने को मिलता है वही होगा इधर, इसका सीजन 1 ही है। खैर जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग ब्लेक को रेस्ट करने के लिए देते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर आखिर में मेरी ख्याल से जो होती है वो देख रही होती है ब्लेक को और उसके बाद वो उधर से चली जाती है। और उसके बाद मेरी ख्याल से ब्लेक इको के पास जाकर इको का जो हॉर्न है उसको चूने लगता है और उसके बाद वो बोलता है ये तो काट डाला ना मैंने। इस बात को सुनकर इको बोलती है लेकिन नहीं करती तब भी बनता, तब भी काम हो जाता। और उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं और इसी बीच इको बोलती है तुमको चाहती हूँ, जहाँ पर ब्लेक भी बोलता है हाँ। और उसके बाद वो दोनों ही दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आखिर में वो दोनों किस कर लेते हैं और ऐसे ही इस एपिसोड का हाँ इस एनिमे का एंडिंग हो जाता है। बात किया जाए लड़कियों के बारे में तो मुझे इसमें सिल्विया को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आखिर में सिल्विया का शादी नहीं हुआ तो इससे मुझे और भी अच्छा लगा। सिल्विया इज माय क्रश, तो तुम लोग बोल सकते हो तुम्हारा की रानी इस एनिमे का कौन है, यानी कौन सा लड़की तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पसंद आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और उसके साथ ही ये एपिसोड देखकर पसंद आया है तो एक लाइक और इसके बाद वाले एनिमे क्या करना है ये भी बता सकते हो तो बता देना। तुम लोगों ने पहले भी बहुत सारे एनिमे मुझे बताए हुए हैं कि मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है तो इससे पहले मैं कोई भी एनिमे को स्टार्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि बीच में रोकना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एग्जाम को खत्म होने दो, यानी अप्रैल में खत्म होगा तो उसके बाद जितना बोलना है जो जो एनिमे करना है उसे मैं कर दूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा।